संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी कनलोग द्वारा जन सेवा के उद्देश्य से हर वर्ष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में रविवार को शिमला के कनलोग में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, वहीं लोगों को दवाइयां भी निशुल्क वितरित की गई। राजधानी शिमला के कनलोग में संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी द्वारा निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में हर आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, वहीं उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। संजीवनी जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रमोहन चंदेल ने बताया कि हर वर्ष सोसाइटी द्वारा जन सेवा के उद्देश्य से चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये चिकित्सा जांच शिविर पूरी तरह से निशुल्क होता है, वहीं इस दौरान दवाइयां भी लोगों को निशुल्क ही वितरित की जाती हैं। 14वां फ्री ट्रीटमेंट कैंप है, इससे पहले हमने 13 फ्री ट्रीटमेंट कैंप बनाए थे और ये हर साल लगाते हैं हम। और जो हमारी सोसाइटी है ये कंटिन्यू पिछले कोई 15-20 साल से सोशल एक्टिविटीज में जागरूक है। पिछली बार हमारे लोगों ने 300 लोगों का ट्रीटमेंट किया था और मैं आपको बता चाहूँगा इस बार हमारा जो काम चल रहा है लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ हमारी कैंप में भाग लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे में डॉक्टर आते हैं दे आर वेरी वेल नोन और बड़े प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और उनके इलाज से पब्लिक जनता को बहुत फायदा मिला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारी जो संजीवनी सोसाइटी है कनलोग की, आज तक हमने कोई गवर्नमेंट सीट नहीं लिया और जो ये करते हैं ये हमारी टीम जो है, जो हमारा संजीवनी परिवार, ये मतलब आपस में लोग कंट्रीब्यूट करके करते हैं और इसमें कोई भी किसी भी रोगी से निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती सबको। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।